गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। फाइनली फाइनली फाइनली। तो सबसे पहले सुबह इतनी ठंड हो रही थी ना कि सुबह सुबह उठी हूँ। प्लानिंग तो था 7 ही बजे उठने का, लेकिन हालत इतनी पंचर हो गई थी ठंड में कि कोई भी बिस्तर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जैसे तैसे 9 बजे सब कोई उठा, रेडी हुआ, बाकी लोगों ने तो नहा भी लिया। मैं तो बाहर की ठंड देख लो आप लोग, इतनी भयंकर हो रही है ना कि मैं तो सिर्फ फ्रेश हुई हूँ, कपड़े चेंज की हूँ, मॉइस्चराइज़र, लिप टिंट, बस और कुछ नहीं। तो सब कोई रेडी होकर चाय पी रहा था, तब तक दीदी की एक क्लाइंट आ गई। दीदी उसको निपटा रही है जल्दी 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 जल्दी। तो फिर हम लोगों ने तब तक सामान निकाल उकाल के हम लोग बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ तो कांड होते रहते हैं। जैसे ही सामान वामान लेके मैं लिफ्ट के तरफ गई, मेरे इयररिंग्स ही निकल गए यार, और वो गोल्ड के थे। अगर गोल्ड घूमना तो बहुत ही बेकार होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है, और सुबह सुबह कहीं जाओ और ऐसा हो जाए तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। ढूंढने के लिए आगे ऊपर अंदर कपड़े वपड़े चेंज कर रही थी, तब तक सब कोई चला गया था बाहर। तो मेरे को पता नहीं था, मैं बेसमेंट में चली गई। बेसमेंट में नेटवर्क भी नहीं रहता, और बेसमेंट में मेरे को जाना था सी टावर में, मैं पहुंच गई ए टावर में। साला बकचोदी होते रहता है, मेरे को पता ही नहीं था कि कौन से बेसमेंट में जाना है, -1 -2। उसके बाद मैं फिर से ऊपर आई, ऊपर आई, फिर दीदी ने कॉल किया कि हम लोग यहाँ हैं, बाहर हैं, बेसमेंट में नहीं है। फिर बेसमेंट में फिर मैं दो दो बार बेसमेंट में चली गई थी। फिर दीदी का कॉल आया, तब मैं गई बाहर। फाइनली हम लोग वहाँ से निकल गए, मेरे बकचोदी में तो 1 घंटा लग ही गया। उसके बाद हम लोगों ने रास्ते में खाई फ्राई राइस, जो कि घर पर बना हुआ था, भूख लग गई थी। और यहाँ पे यशिका का एक सॉन्ग चल रहा है डोंकी मंकी करके, तो दीदी दिखा रही है कि उसके किस तरीके से यशिका डांस करती है। फिर दोपहर में हम लोगों ने ये हाईवे लाइन पे एक राजवाड़ा होटल मोटेल था, वहाँ रुका खाना वाना खाने के लिए। कैसे दीदी, कैसे अच्छे से काम कर लो, ब्लॉग ये हमारा गुरुआ पड़ेगा। ढाबा आए तो तू लोग यही खाया पिया, समझे? समझ गई ली। सो गाइस, ये वॉशरूम का लुक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो वैसे तो मैं गंवार दिख रही थी, बस ये वॉशरूम के मिरर में मैं बहुत सही लग रही थी। तो वॉशरूम से निकलने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पार्क बना था, गार्डन। यहाँ पे आप लोग लंच कर सकते हो आराम से, धूप में बैठ के मज़े धूप के लेके, और अंदर भी था, आप लोग वहाँ पे भी बैठ सकते हो, और सामने ही होटल भी था। सो हम लोगों ने यहीं पे डिसाइड किया, मस्त धूप लग रही थी, यहीं पे बैठो। तो हम लोगों ने ऑर्डर दिया जो भी खाना था हम लोगों को। तब तक ये सामने भैया ने बोला कि एक पार्क है, वहाँ भी आप लोग जा सकते हो। तो तब तक हम लोग वहीं पे चले गए मस्ती करने। हम लोग का लंच वगैरह जो भी था हम लोगों ने दिया, वो भी रेडी हो गया था। तो यशिका यहाँ पे ओरियो शेक पी रही है,
और यहाँ हम लोगों ने मैंने अपने लिए मंगाया डोसा। यसिका को इडली बहुत पसंद है, मुझे डोसा बहुत पसंद है, तो ये इसने इडली मंगाया और कैंडी भी इडली खा रही है। और कैंडी के लिए हम लोगों ने मंगाई है पनीर, क्योंकि वैसे तो वो चिकन खाती है बट चिकन अभी नहीं खाना हम लोगों को, मंदिर जाना है इसलिए। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ डोसे। डोसा तो अच्छा था, सांभर भी अच्छा था, बट ये डोस नारियल की जो चटनी होती है ना, ये मेरा फेवरेट था। और यही बकवास था, ये ऐसा लग रहा था कि इसमें नारियल ऑयल मिला दिया है, क्योंकि बिना तड़के के था ये। ठीक है, तब पर भी अच्छा था, मैंने फिर चटनी खाई नहीं। और यहाँ पे हम लोगों ने खाई मसाले पापड़। और हमारा और यशी का खाना हो गया तो हम लोगों ने खा लिया। और अभी दीदी दीजा जीजा जी और पापा जी खा रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने खाने के बाद यहाँ पे थोड़ी गपशप लगाई। गाइस यहाँ का खाना वाना भी सही था और व्यू भी अच्छा है बच्चों के लिए। यहाँ झूले वगैरह भी हैं, पार्क वगैरह भी हैं। सो आप लोग आ सकते हो यहाँ पे, राजवाड़ा फूड कोर्ट होटल करके इसका नाम है। और कैंडी को देख रहे हो गाइस कितनी ज़्यादा खुश है, इसे भी घूमना बहुत पसंद है जैसे कि मुझे घूमना पसंद है। दोस्तों हम अपने पिलाई के खाना खिया, जानवर के भी आप समझा कर ऐसे नहीं करते। आप याद है डोसा आती। दोस्तों हमारी बेटी को बहुत गुस्सा आ रहा है बिकॉज माय लैंग्वेज इज वेरी वेरी बैड। ठेठ देहाती में सिंगरौली का। आप लोग ही बताइए कि हम अपने भाषा के क्यों ना बोले, हमारी औलाद हमें बोलने नहीं देती है। और सिंगरौली की भाषा में क्या बोलते हैं? माई महतारी, ए महतारी। चलो अब हम तू लोग के मतलब बाय बाय बाय। Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, baby. गाइस हम लोग ये हरियाणा वाली रोड से जा रहे थे और रोड तो हम लोग का सही था गूगल मैप के हिसाब से, बट वहाँ के एक भैया ने हम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं इस लाइन से नहीं, उस लाइन से जाओ, आप लोग उल्टा आ गया हो। उस चक्कर में हम लोग का सारा टाइम वेस्ट हो गया, नहीं तो अभी हम लोग खाटू श्याम होते। तो 2 घंटे 3 घंटे हम लोग के वेस्ट हो गए। इतना भटकने के बाद हम लोग पहुँच गए 5 बजे आईकॉन कोटखुली में। यहाँ पे जीजा जी ने रेस्ट किया, चाय वाय दिया, देन यहाँ 10-15 मिनट हम लोग रेस्ट किए और उसके बाद निकल गए। Chasing waterfalls. Oh, 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 you've got me chasing waterfalls. Oh, 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 you've got me chasing waterfalls. इतने अच्छे सफ़र के बाद गाइस यहाँ ट्रैफिक मिल गया 2 घंटे का। 1 घंटे तो हमने सो लिया, 1 घंटे सोने के बाद भी ये ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ। गाइस उठी तब भी ट्रैफिक ही लगा हुआ था। उठने के बाद हम लोगों ने ये बटर बाइट बिस्किट खाई और फिर यहाँ से निकल गए। तब तक हम लोगों को मतलब 8 तो बज ही गए थे, तो 10 किलोमीटर यहाँ से अभी भी डिस्टेंस है खाटू श्याम जी का। तो यहाँ एक होटल था आई लव नौलखा, तो हम लोगों ने यहाँ चेकआउट किया कि यहाँ अगर सही रहेगा तो हम लोग यहीं रेस्ट कर लेंगे और फिर सुबह निकलेंगे यहाँ से। तो होटल वगैरह तो अच्छी थी बट बगल वाले रूम में कुछ बंदे ड्रिंक कर रहे थे, वहाँ हम लोगों को सेफ्टी नहीं लगा, इसलिए हम लोग यहाँ रुकने का सोचे बट रुके नहीं। सिर्फ चाय पी और कैंडी को पनीर खिलाया और यहाँ पे रुका नहीं, क्योंकि सेफ्टी नहीं था और कोई फैमिली वगैरह भी नहीं थी। सो चाय पिया और यहाँ से निकल गए। और फिर हम लोग कुछ डिस्टेंस तक गए, 5 किलोमीटर और आगे यहाँ, और यहाँ पे एक होटल देखा,
तो यहाँ पे ठीक था, सेफ्टी भी था और पास भी पड़ता, सिर्फ 5 किलोमीटर सुबह सही रहता ट्रैवल के लिए। तो हम लोगों ने यहीं पे मंगाया था कराही पनीर, लच्छे पराठे, दाल चावल और ये माठा दही, ठीक है क्या छाछ जो भी बोल दो। लोगों ने सबको ने खाना खा लिया, लेकिन दीदी बोली मेरे को भूख नहीं लगा, मेरे को गैस बन गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, दीदी खाना इसलिए नहीं खा रही थी ना क्योंकि जिसने हम लोगों को रूम दिखाया था ना वो वॉशरूम वगैरह सब कुछ चालू कर रहा था, फ्लश वगैरह, और उसको कवर्ड को उठा उठा के वो दिखा रहा था हाथ डाल डाल के कि हाँ ये बंद है तो इसको चालू कर दिया है, कुछ दिक्कत नहीं होगा, सिस्टर सिस्टर फलाना ढिकाना करके तेल मालिश लगा रहा था, ठीक है। तो हम मैंने तो उतना नोटिस नहीं किया, दीदी ये सब चीज़ों में बहुत नोटिस करती हैं। और फिर वो हाथ भी नहीं धोया, उसी हाथ से कवर्ड को उठाया, बंद किया, जो भी किया उसी हाथों से हम लोग को ला के पराठे खिला दिया, ठीक है। हम लोग तो खा लिए, दीदी बोल रही थी लेकिन मैं समझी नहीं। तो दीदी ने खाना नहीं खाया और अपने लिए उन्होंने लास्ट में जब हम लोगों ने खा लिया तो पकौड़ियाँ मंगा लिया, बोली कि तुम लोग गंदे गंदे पट्टी वाले खाने खा लिए हो, अब तो मैं पकौड़ी खाऊँगी। ठंडी में हालत खराब हो रही है। हम आ गए हैं दोस्तों, हमें गोले लग रहे फिल्टर लगा के। मेरा तो ये दिखता है काट दिया तो मेरा ये फेस बहुत खराब है, मेरा फेस ब्लर कर देंगे ब्लर। ठंडी तुम्हारी भी कभी आ जाओ। मैं नीचे कुछ नहीं। सो खाना वाना खा लिया गाइस, फाइनली आप लोगों को रूम दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ रुक रहे हैं। और इस रूम की कीमत है, मतलब ये हम लोगों को 1000 में मिल गया है, सही मिल गया है, और वो डिस्काउंट भी करने के लिए बोल रहा था। तो ये देखो आप लोगों को ये रूम है और ये वॉशरूम है, वॉशरूम दिख रहा होगा। इसी में भैया जी ने अपने हाथों से उठाया, बंद किया, चालू किया और इसी हाथों से हम लोगों को पराठे खिला दिए। वाह वाह भैया जी वाह, क्या ही बोले, अब कोई बात नहीं। तो हम लोग अब यहीं पे रुकेंगे। और सबसे गंदी बात है यहाँ पे कि गीज़र ही नहीं है भाई साहब, ठंडी में मर जाऊँगी ठंडे पानी से। तो सुबह सुबह वो बोले कि सुबह 4 बजे फ़ोन कर दीजिएगा मैडम जी पानी आ जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि पानी आएगा क्योंकि अभी तो पीने के लिए भी पानी नहीं पहुँचाया है। हम लोग जा रहे हैं उसको बोलने कि भैया पानी का बॉटल और कंबल पहुँचा दो, 2 बार जाके बोल चुके हैं लेकिन भैया जी ने अभी तक लेके नहीं आया, क्योंकि अभी वो भैया जी बैठ के मच्छी मार रहे थे, कोई भी नहीं था इनके होटल में। जैसे ही कैंडी के शुभ शुभ कदम पड़े इनके होटल में भीड़ लग गई है और भैया जी हम लोग को भूल गए हैं। कोई बात नहीं, ग्राहक का बौनी करा दो हम लोग, मतलब हम लोग का नहीं, मेरा भी ठीक ही रहता है बट कैंडी का बौनी बहुत अच्छा रहता है। कैंडी के कदम पड़ गए उनकी होटल में भीड़ लग गई, तो खुद ही से हम लोग यहाँ बिस्तर लगा रहे हैं, झाड़ रहे हैं उसी चादर को, कुर्ता भी छा रहे हैं, सो रहे हैं क्योंकि भैया तो पहुँचाने से रहे, मुश्किल है भाई मुश्किल है कि वो ला के पहुँचाएंगे। खुद ही से जाके पानी वानी लेके आए हैं, कंबल वंबल लेके आए हैं, फिर व्यवस्था कर रहे हैं सोने की क्योंकि बस नींद ही दिख रहा है, बिस्तर के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। और सुबह जो भी पहनना है सारा सामान मैं अभी निकाल के रख रही हूँ, कहे कि सुबह इतनी ठंड रहेगी ना कि मेरे को उठने का भी मन नहीं करेगा भाई साहब, ठंडी में पागल हो जाऊंगी, इसलिए मैं अभी सारे सामान निकाल के रख रही हूँ ताकि सुबह फैले ना, क्योंकि हम लोग को बस रेडी होना है, निकलना भी है, सारा सामान फैल जाता है एकदम, फिर समेटो भूल जाओ, सामान छूट जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। और मैं तो अभी नहा भी लूँगी, जा रही हूँ क्योंकि सुबह ना इतनी ठंड में नहा नहीं पाऊँगी बाल धुल के, तो अभी बाल धुल के नहा ले रही हूँ, सुबह ऐसे ही नहा लूँगी। और होटल वाले ने अभी तक कंबल भी नहीं पहुँचाया, कब से बहुत ज्ञान दे रहे थे, हाँ मैडम है मैडम है मैडम, अब ग्राहक आ गए हैं तो हम लोग को भूल गए हैं, हम लोग इतने ठंड में पड़े हैं, अभी 2 बार जा चुके हैं नीचे, अब कंबल देखते हैं कब तक आता है भाई साहब। क्या होगा सोच, कुछ नहीं हुआ, डॉगी है डॉगी है डॉगी डॉगी है डॉगी डॉगी खेल रहा है डॉगी। सब फाइनली कंबल आ ही गया है। वैसे तो कैंडी भी घर पे सो जाती है बट बाहर लोगों की आवाज़ सुन सुन के वो बार बार गेट के पास जा रही है और चिल्ला रही है, हल्ला कर रही है। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राम। कैंडी भी आ गई अब सोने, गुड नाइट।